हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी अपनी फ़ोटो के पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, कोई भी अब कैसा भी बैकग्राउंड हो, एक अच्छा से अच्छा गूगल से कोई भी आप बैकग्राउंड डाउनलोड कर लें और उसको अपने पीछे मतलब रखना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं। एक अवेसम गुड मतलब HD में होना चाहिए। कैसे हम अपनी फ़ोटो, अपनी फैमिली की फ़ोटो, अपने बच्चे की फ़ोटो, हम उसमें एक अच्छा सा, हम मतलब कहने का मतलब एक अच्छा सा हम उसमें कोई भी बैकग्राउंड लगाएं जिससे हमारी वो फ़ोटो और अच्छी लगे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ को आप बड़ी ही आराम से और अच्छे से देख लें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने ले रखा है सॉफ्टवेयर PicsArt। अगर आपके फ़ोन में PicsArt एप्लीकेशन नहीं है तो सबसे पहले आप उसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपना बैकग्राउंड हम अच्छा से लगा सकते हैं। तो मैं ये प्लस आप देख रहे हैं, इस प्लस पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं नीचे आके यहाँ लिखा है क्रिएट न्यू, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद आ गया है मेरा क्रिएट न्यू करके मेरा नया पेज आ गया जिस पर मैं अपना बैकग्राउंड सेट करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये देख रहे होंगे तीन बिंदु, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले इसका पेज का साइज़ सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाके हमारा, जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये यहाँ पे होगा। इसको आप क्या करें, एंड में जाके कस्टम आप देख करेंगे, कस्टम पे आके आप कितना भी इसका एक्चुअल जो भी आपका साइज़ है आप वहाँ पर ले सकते हैं। मैंने ये साइज़ ले रखा है जो हम गूगल में हम थंबनेल अटैच करते हैं, ठीक है। तो आपको आपका जो भी साइज़ मतलब आपको कैमरे का साइज़ रखना है, आपको फ्रेम का साइज़ रखना है, तो आप वहाँ पर कोई भी गूगल से आप उसका फ्रेम का साइज़ जो भी आप देख के यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें, उसका ओके कर दें। फिर इसके बाद इस एरो पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आप जैसे मैं आपको कोई भी एक गूगल से मैं कोई भी एक आपको इमेज डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इस पे एडिट पे इमेज पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहे होंगे, अब यहाँ रहा ऐड फ़ोटो, मैं ऐड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक पहले से गूगल से डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। तो मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं, आप ये तीर देख रहे हैं, इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, इस पूरी में पिक्चर पे मैं यहाँ रख लूँगा। मैं देख लेता हूँ पूरा सेट हुआ कि नहीं, अब ये मेरा पूरा सेट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये टिक का निशान है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा से मैं फ़ोटो पे जाऊँगा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड ले लिया। अब मेरे को कोई फ़ोटो लगानी है, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है वैसे कोई मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। मैंने ये फ़ोटो ले ली, इस पर सेलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की साइड मेरे प्लस हो गया। आप इसमें कितनी भी इमेज, जैसे अगर मैं इसको दो तीन बार भी करूँ तो यहाँ पर ये ऐड होती रहेंगी, ठीक है। तो मेरे को अभी एक ही चीज़, इसलिए मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, एक रखूँगा, इसको ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद देखेंगे आप दोस्तों, मेरी ये फ़ोटो आ चुकी है और पीछे मेरे भाई की फ़ोटो आई है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी यहाँ फ़ोटो आए, बाकी पीछे का बैकग्राउंड सारा इसी में सेलेक्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, आप नीचे देख रहे हैं कटआउट का जो थर्ड वाला नंबर है उस पर कटआउट लिखा, इस पर क्लिक करूँगा, मुझे कैंची सा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको देख रहे हैं ये एक निशान आ रहा है नीचे के साइड, इसके क्या करना है, इस आदमी पे क्लिक करना है, ठीक है। ये पूरा हमारा सेलेक्ट हो चुका है जो भी हमारा हमारी फ़ोटो है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो सेव पे क्लिक करते देखिए, उस जितना बैकग्राउंड था पीछे का जो भी मेरा बेकार सा बैकग्राउंड आ रहा था वो हट गया है और ये बैकग्राउंड में मेरी फ़ोटो बिल्कुल आ गया। ऐसा लग रहा है मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ और मेरी फ़ोटो खींची गई है, ठीक है। अब मैं इसको जितना चाहे मैं उतना बड़ा कर सकता हूँ, जितना चाहे मैं उतना उसको छोटा कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप, मैं चाहता हूँ आप देख रहे होंगे कि आप कोई भी फैमिली की किसी भी की आप कैसा भी बैकग्राउंड लेके आप उसको HD में आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।